बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जनाब आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश खुर्रम और शादोआबाद रखे। तो जनाब आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक और विद सीरम मैं बनाऊँगी, लेकिन सीरम की रेसिपी मैं आपको अलग वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ मैं अब बनाने लगी हूँ चॉकलेट केक और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ साथ आपको बताती रहूँगी। और यहाँ मैंने मिक्सर ग्राइंडर मैंने चला दिया है पहले से, और इसके अंदर फिर एक अंडा, दो और तीन अंडे मैंने वन बाय वन करके मैंने इसके अंदर डालती जा रही हूँ, और इस ये लगातार ये चलता जा रहा है, इसको बीच में रोकना नहीं है। और अंडे तीनों मैंने लगातार इसके अंदर डाल दिए हैं, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डालनी है आइसिंग शुगर या चीनी, नॉर्मल चीनी ले लें। अगर चीनी अगर आप मोटी मोटी डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको पीस लेंगे तो उसको वो बड़े आराम से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो मैंने इसके अंदर एक कप अब डालने लगी हूँ चीनी का। ये देखिए चीनी भी आप थोड़ी थोड़ी करके साथ साथ इसको चलाएँ ब्लेंडर को और इसको उसके अंदर मिक्स करते जाएँ। तो ये देखिए मैं चीनी साथ साथ डालती जा रही हूँ और साथ साथ ये चल रहा है, ब्लेंडर चल रहा है और चीनी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो रही है। चीनी सारी की सारी मैंने इसमें डाल दी है और बर्तन को अच्छे तरीके से खाली कर लिया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। अब मैंने एक कप भर के मैंने इसके अंदर ऑयल का डाल दिया है और इसको भी मैंने ब्लेंड करना साथ ही साथ शुरू कर दिया है। इस दौरान ब्लेंडर को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। वनीला एसेंस मैंने तकरीबन 5-6 ड्रॉप मैंने वनीला एसेंस के डाल दिए हैं, और ये भी मैंने साथ ही साथ मिक्सचर के अंदर डाला है और ये ब्लेंड हो गया है साथ साथ। अब मैंने इसमें डाले हैं 2 भर के चम्मच बड़े टेबल स्पून जो के हैं, और वो मैंने डाले हैं 2 भर के कोको पाउडर के। तो ये कोको पाउडर को भी मैंने साथ ही साथ ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए पहले मैंने एक चम्मच डाली और अब दूसरी डाली है, और इसको भी अच्छे तरीके से इसके साथ ही ब्लेंड कर लेना है। और अब मैंने अलग से बर्तन में मैदा लिया है, मैदे के तकरीबन मैंने 2 कप लिए हैं, 2 कप मैंने मैदा लिया है, और इसको अच्छे तरीके से इस तरह से छान लें। इस तरीके से मैदे के अंदर कोई भी गुठली बाकी नहीं रहती है। अब जो बैटर हमने तैयार किया था मिक्सर ग्राइंडर में वो हमने इसके अंदर डाल दिया है, और वीडियो मैंने तेज़ कर दी है क्योंकि इसको काफ़ी देर तक एक ही साइड पे इसको ब्लेंड करना होता है, हाथ के साथ या स्पैचुला के साथ करें या हैंड बीटर की मदद से हमने उसको मिक्स कर लिया है। और ये सांचे को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हमने अब मैदा छिड़क देना है ताकि केक हमारा बिल्कुल भी नीचे ना चिपके। और बटर पेपर इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने ये काम किया है, और ताकि केक हमारा बहुत अच्छे से बाहर निकल आए और चिपके ना बिल्कुल भी। तो बैटर हमारे पास रेडी है बिल्कुल, मैदा इसके अंदर मिक्स हो चुका है, हल्के हाथ से हमने मिक्स कर लिया है, और अब मैंने इसको मुंतकिल करना है इसके सांचे के अंदर डाल देना है। और ये देखिए ये रिबन की तरह बिल्कुल ये जा रहा है, इसका मतलब है हमारा बैटर बिल्कुल ठीक बना है, बिल्कुल रेडी है। और अब हमने इसको सांचे के अंदर डाल देना है इस तरीके से। ये देखिए ये बिल्कुल रिबन की तरह जा रहा है, और ये सारा बैटर हमने इसके अंदर डाल दिया है। और ये देखिए मैंने वीडियो इसकी लंबी इसलिए की है कि मैं आपको ये दिखा सकूं अच्छे तरीके से कि ये कितना बैटर है और सांचे में कितना ये ज़्यादा फैल जाएगा और कितना केक तैयार होगा। तो ये देखिए तकरीबन ये आधा आधा बैटर मैंने इसके अंदर सांचे के अंदर आ गया है, सारा मैंने डाल दिया है। और अब मैंने इसको रख दिया है, पतीला मैंने रख दिया था उसके अंदर, स्टैंड पहले फिक्स नहीं आ रहा था तो मैंने इसके अंदर अब प्लेट रख ली है, और आप चाहें तो स्टैंड रखें चाहे तो प्लेट रखें। और ऊपर से मैंने इस तरह ढक्कन को एक कपड़े के अंदर लपेट के ताकि साइडों से हवा ना निकले बाहर, तो ये मैंने इस तरीके से इसको ढक दिया है। अब तकरीबन 40 से 50 मिनट बाद आपने चेक करना है, और यहाँ हो गए हैं 40 से 50 मिनट। तो ये देखिए हमारा केक कितना ज़बरदस्त ये फूल चुका है, और कितना ज़्यादा इसने गुंजाइश कर लिया, ये बिल्कुल बराबर बराबर हो गया है, और बर्तन में मज़ीद जगह सांचे में नहीं बची है। तो ये पिन हम अंदर डाल के देखेंगे जो कि
टूथपिक है, इसको हमने डाल के देखा है तो ये बिल्कुल सादी निकली है, इसके साथ कोई बैटर नहीं था। तो अब हमने इसको केक को साइडों से, हालांकि ये अलग हो चुका है लेकिन मैंने कहा चलो नाइफ़ की मदद से बिल्कुल नीचे तक नाइफ़ को इस तरीके से कर लूँ ताकि केक बिल्कुल अलग हो जाए। तो ये देखिए अब मैंने इसको डाल दिया है, ये देखिए ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ये पक चुका था कि मैंने अभी सांचा उल्टा भी नहीं किया और केक बाहर आ गया। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके का तैयार हो चुका था और ये देखिए ये कितना नरम है, कितना फ्लफ़ी बना है और ये कितना ज़्यादा फूला है और स्पंज इसका बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त था, इसका टेक्सचर था और फ्लफ़ी बना है। और अब मैं इसको बीच में से कट करूँगी एक छुरी की मदद से, एक तेज़ सी छुरी ले लें और इसको अंदर से कट कर दें। तो मैं इसको दो हिस्सों में बना रही हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर भी चॉकलेट सीरम डालना है और इसके अलावा दूध से मैंने इसको सॉक भी करना है। तो ये देखिए ये मैंने इसको काट दिया है, ये मैंने छुरी की मदद से इसको काट दिया है और वीडियो इसकी मैंने तेज़ कर दी है ताकि वक्त आपका ज़्यादा ना ज़ाया हो। और ये देखिए अब मैंने एक हिस्सा इसका अलग कर लिया है और दूसरे हिस्से को मैं दूध से सॉक कर रही हूँ। ये दूध स्पून की मदद से आप इस तरीके से डाल दें और पूरे केक के ऊपर केक को आप सॉक कर दें दूध के साथ ताकि ये सारा बीच में जज्ब हो जाए और एक नरम सा टेक्सचर आ जाए केक के अंदर और बहुत ज़बरदस्त स्मूथ सा केक बन तैयार हो जाए। और एक हिस्से पे मैंने ये दूध को इस तरह सोक कर दिया है और दूसरे हिस्से पे मैं सीरम डालूंगी चॉकलेट का जो कि मैंने अलग से बना के रखा है और वो सीरम मैं केक के ऊपर डालूंगी इसके दूसरे हिस्से पर। तो ये देखिए मैंने सारे के सारे केक के एक हिस्से को मैंने दूध के साथ स्पून की मदद से डाल कर सोक कर लिया है। तो अब ये मैं इसको साइड पे कर दूंगी और दूसरा हिस्सा मैं रखूंगी और इसके ऊपर मैं सारी चॉकलेट सीरम लगा रही हूँ और इस सीरम की रेसिपी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने सीरम की रेसिपी भी इस वीडियो में इसके साथ अगर टच कर दी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारा सीरम इसके ऊपर डाल दिया है, सारा नहीं सॉरी आधा डाला है और आधा मैं केक के ऊपर डालूँगी। अब मैंने जो हिस्सा सोक किया था दूध के साथ उसको मैंने इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया है और ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त सा एक दो हिस्सों में केक हमारा कंप्लीट हो रहा है। और अब ऊपर भी इसके मैंने चॉकलेट सीरम डालना है और सारा चॉकलेट सीरम इसके ऊपर मैं डाल दूंगी जो बाकी का बचा है और ये इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक तैयार होगा और सीरम के साथ तो बहुत ही मज़ेदार होता है। और ये देखिए मैं स्पून की मदद से इसके ऊपर डाल रही हूँ और सारा मैंने इसके ऊपर लगा देना है अच्छे तरीके से, साइडों से भी इसको मैंने कवर करना है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको कहूँगी कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और मेरे अगर कोई आपको केक पसंद आता है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं और भी किस्म के केक आपके लिए बना के वीडियो बनाऊँगी और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा और आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं रिप्लाई भी ज़रूर किया करूँगी। और इसके अलावा आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया आप जो सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को और प्लीज़ वॉच करके पूरी वीडियो वॉच करके आप सब्सक्राइब किया करें और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक किया करें और इस तरह मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकेंगी। और ये देखिए यहाँ मैंने केक को पूरा कवर कर लिया है चॉकलेट सीरम के साथ, ये देखिए यहाँ देखिए मैंने इसको सारा चॉकलेट सीरम के साथ कवर कर दिया है। और अब निदास किचन का नाम का पहला लफ्ज़ जो कि मैंने एन है वहाँ ये यहाँ पर मैंने केक के ऊपर मेंशन कर दिया और साथ ही मैंने किचन जितनी स्पेलिंग आती थी मैंने लिख दिया है। तो ये है निदास किचन का केक जो कि चॉकलेट केक है और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। और यहाँ मैं आपको अभी केक का छोटा सा पीस एक कट करके अभी आपको दिखाती हूँ।
तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि केक आपको कैसा लगा है। दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।